एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। जिले में 26 सितंबर को लगभग 250 सेंटर्स पर रीट के एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और हमारे जिले में सभी 10 ब्लॉक में सेंटर्स अभ्यर्थियों के हैं। मैं दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों से भी अपील करना चाहूँगा, जिले के कुछ सेंटर्स हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए आप लोग 24 तारीख को ट्रेवल करके डूंगरपुर में पहुँचे। आपके लिए हमने डूंगरपुर जिला मुख्यालय से बसों की व्यवस्था की, प्राइवेट बसों की व्यवस्था की है और आपको हमारा जो ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पर हमने सभी जगह पर कंट्रोल रूम बनाए गए, वहाँ पर हमारे रेवेन्यू की मशीनरी, पुलिस का जाप्ता और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होंगे जो आपको आपके सेंटर की कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा, इसके बारे में भी आपको गाइडेंस प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हमने ब्लॉकवार मैप तैयार किए हैं जिसमें आपको ये भी पता रहेगा कि आपका सेंटर कितनी दूरी पर है। हमने उन सेंटर्स को रेड कैटेगरी में डिक्लेयर किया है जिनमें थोड़ा सा रिमोट एरिया में आपको जाना है या काफ़ी इंटीरियर में है और आपको समय लग सकता है, तो उन सेंटर्स को आप 26 की बजाय 25 तारीख को एक बार देख लें क्योंकि आपको असुविधा हो सकती है। इसके अलावा ब्लॉकवार हमने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, हमारे जो राजनीतिक पार्टीज हैं और कई सारे समाज हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर रहने की व्यवस्था की है, आपको नाश्ते की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। तो ब्लॉकवार हम ऐसे लोगों की सूचना कहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी, कुछ जगह शिक्षक संगठनों ने भी व्यवस्था की है, तो वो सारी व्यवस्थाएँ हम ब्लॉकवार सेंटरवार आपको PDF के माध्यम से अगले एक दो दिन में सभी जिलों में प्रेषित कर देंगे। और फिर भी किसी प्रकार की समस्या रहती है तो हमने जगह जगह पर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए, आपको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं होगी, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर भी मेरी आपसे एक विनम्र अपील है कि आप 24 तारीख को ही ट्रेवल कर लें या उससे पहले कर लें, 25 तारीख का इंतजार नहीं करें, काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। तो यहाँ से दूसरे जिलों में जो अभ्यर्थी जाएंगे जैसे सीकर, जयपुर या उससे आगे भी जिनके सेंटर्स आए हैं, वो लोग 23 और 24 तारीख को यहाँ से प्रस्थान कर जाएँ और दूसरे जिलों से जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो भी 24 तारीख को ही डूंगरपुर पहुँचने की कोशिश करें, या निकटवर्ती जिलों से आ रहे हैं वो 25 तक जिले में आ जाएं ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई बात हो, वो जिला प्रशासन तक आप बता पाएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके ट्रांसपोर्ट की, आपके खाने की, आपके रहने की और एग्जाम से संबंधित सभी समस्याओं की पूरी तैयारी हमने की है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा हम प्रयास करते हैं।